तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू धमाका वीडियो। एंड आज हम लोग खेलने जा रहे हैं क्रिकेट 24। एंड आज का जो मैच है वो है केकेआर वर्सेस एसआरएच, मतलब कि नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स। एंड आज आईपीएल का फाइनल मैच। एंड जो वीडियो तुम लोगों को देखने को मिल रही है आज ही के दिन, मतलब आज रात में ही होने वाला है फाइनल मैच। बट तुम लोग ये मत समझना हम लोग लाइव नहीं करेंगे, लाइव करेंगे, बट ये वीडियो मैंने सोचा एक होना चाहिए भाई अपने चैनल पे। याद रहेगा भाई हमने भी यहाँ पे 2024 में ऐसा कुछ मैच किया था। बाय द वे टॉस उछाला है पैट कमिंस ने, टेल्स कॉल किया है क्या हम लोग टॉस जीते हैं यहाँ पे, और केकेआर टॉस जीत गया। तो मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे बॉलिंग करना, क्योंकि बॉलिंग से हम क्या होगा हम उनको थोड़ा कम स्कोर दे पाएंगे। क्योंकि अभी जो लास्ट मैच हमने किया था ना केकेआर वर्सेस एसआरएच का, उससे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया कि मुझे क्या करना है। एंड प्लेइंग 11 मैंने कुछ जैसा एग्जैक्ट बनाया है जैसा कुछ ऐसा हो सकता है फाइनल में। तो जहाँ तक मेरा दिमाग काम किया है उस हिसाब से मैंने पूरा प्लेइंग 11 बनाया। एंड आई एम श्योर वैसे कुछ प्लेइंग 11 यहाँ पे रहने वाला है। ऑलराइट गाइस, मैच स्टार्ट हो चुका। मिचेल स्टार्क के हाथ में बॉल आ गया है, पहला बॉल यहाँ पे। बॉल तो अच्छा है बाय द वे। एंड बाय द वे यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक चीज आज दिखा देता हूँ, डिफिकल्टी आज मैंने हार्डेस्ट रखी है, मतलब कि गेम की जो सबसे तगड़ी वाली डिफिकल्टी है। ओके, एआई लेजेंड है, बाकी सारी चीजें हार्डेस्ट। तुम लोग ये मत समझना आज मैं अपनी डिफिकल्टी पे खेलने वाला हूँ, नहीं, जो कस्टम डिफिकल्टी है वो बात अलग किया। बाय द वे ट्रेविस साइड को बॉल अच्छा दिया था, बट स्ट्रेट शॉट खेल के यहाँ पे चौका मार दिया गया है। अभिषेक ने टाइम अच्छा किया था, मैं गलत ही बोल गया, मैं ट्रेविस क्यों बोल रहा हूँ भाई, अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं फिलहाल तो सामने। ओके, मतलब स्टार्क बॉलिंग अभी तक तो काफी सही देखने को मिल रही है। ट्रेविस हेड सामने की साइड पे हो और स्टार्क एक आउटस्विंग बॉल ना ट्राई करे, किया तो है बट यहाँ पे गैप का पूरा फायदा उठा लिया गया। थोड़ा यार ऐसा नहीं लग रहा है आज कुछ ज्यादा रन बन सकते हैं, वैसे अगर 180 के साइड भी रन बन रहे हैं तो भी यार काफी सही रन है, क्योंकि यहाँ पे मुश्किल होता है भाई इतना रन। ठीक है यार मैच में अगर इससे ज्यादा बन रहे हैं तो आज केकेआर को प्रॉब्लम होने वाली है, बैटिंग में अपना 100% देना पड़ेगा। अरे भाई बॉल यार, भाई एज मिल गया, आउट हो जाता थोड़ा अच्छा लगता बट चौका मिल गया। ओके, सेकंड ओवर के लिए हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं हर्षित राणा को, एंड ट्राई करते हैं राणा साहब को। ओके, स्टार्ट तो अच्छा किया यहाँ पे, ज्यादातर हर्षित राणा का तो स्लोअर वर्क करता है, तो एक बारी ट्राई कर लिया जाए क्या भाई, काफी सही गया भाई। अभिषेक शर्मा के पैरों पे थोड़ा टारगेट है मेरा, वहां से मुझे लगा विकेट आ सकता है, बट स्ट्रेट खेलेंगे तो फिर चौके आने वाले हैं भाई। मुझे दिमाग ये लगाना पड़ेगा ये पार्टनरशिप को तोड़ा कैसे जाएगा, अगर ये टूटी नहीं तो हम लोग टूट जाएंगे भाई, ये तो पक्की बात है। बहुत बढ़िया बॉल यहाँ पे, थोड़ा मैं बाहर इसीलिए रख रहा हूँ अगर शॉट खेलने गया तो वहाँ पे अपने पास पे चांस है कैच लेने का, और ऑफ साइड में एक फील्डर मैंने लगा के रखा हुआ है। फील्ड में यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव लेके आए ट्रेविस साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम जा रहे हैं शॉर्ट बॉल के लिए। ओके, मैं सोचा शायद अगर खेलने गया तो शायद कनेक्शन अच्छा ना हुआ, भाई शायद पे टिके हुए हैं 20 पे 0। ओके, अभी लग रहा है विकेट के लिए हम ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, स्टार्क अच्छा बॉल था ये। ट्रेविस साइड को थोड़ा ये तो देखो समझ में आ रहा है कि डर तो बहुत है भाई स्टार्क से, तो बॉल है स्टार्क, बॉल है यार, बहुत बढ़िया, ये एक आउट स्विंग बॉल, क्या लेवल क्रॉस करके गया ये बॉल, एकदम बाहर से बॉल लेके आ रहे हैं तो उसको भी प्रॉब्लम हो रहा है, बट ये दिक्कत हो गई है क्योंकि यहाँ पे एक नो बॉल हो गया। ये नो बचाने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन होता है जो कि है स्लोअर वन, बहुत बढ़िया, क्या बात है, मैं बोला था ना स्लो। अरे फील्डिंग के लग गए भाई, थोड़ी अच्छी फील्डिंग हो जाती तो रन नहीं जाते यहाँ पे, कोई बात नहीं है हम पे भाई, देखो हम पे डर वाली बात तो है नहीं, तो हम फिर ट्राई मारेंगे। बहुत बढ़िया बॉल, बहुत बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे, बॉलिंग अभी तक स्टार्क ने अच्छी करी है, बट हाँ रन पड़ गया भाई, ये तो है, यहाँ पे एक विकेट मिल जाता तो थोड़ा सही था, बट ठीक है यार। ओवर का लास्ट बॉल है गाइस, पहला शॉर्ट बॉल का वार्निंग मिला था और ये चीज मैंने अभी ध्यान नहीं दिया है, क्या ये नो बॉल से मेरा बचाव होगा या ये नो बॉल करार। ओके, नो बॉल नहीं, अच्छी बात यहाँ पे ये है। फोर्थ ओवर के लिए लेके आ गए हैं सुनील नारायण को, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जरूरत है भाई अभी सुनील नारायण की यहाँ पे थोड़ी सी। पहला बॉल तो काफी ज्यादा बढ़िया था, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा देखें पावर प्ले में अगर एक विकेट निकाल के लेके आ रहे हैं सुनील नारायण से तो ये बहुत बढ़िया चीज है। बाय द वे शॉट का ट्राई किया था, कनेक्शन हुआ नहीं है, वरना मैं चाह तो ये रहा था एक प्लेयर थोड़ा सा अगर हम इधर की साइड पे रख लेते तो काफी हद तक ऐसे काम बन सकता था। ट्राई करते हैं ट्रेविस हेड जी, और ब्रो क्या ये आउट हो सकता था,
सुनील नारायण ने तो भाई अपना पूरा काम यहाँ पे कर दिया था। ट्रेविस हेड थोड़ा प्रेशर बन रहा था, उन्होंने सोचा स्टेप आउट करें, स्टेप आउट गया एज आया था, बट यहाँ पे मिस जज हुआ है हर्षित से। अगर ये कैच होता भाई तो मैच भी हाथ में होता। एंड अभी गली पे यहाँ पे मैंने प्लेयर को चेंज किया है और मैं श्रेयस अय्यर को लेके आया हूँ। ओ ये आउट हो सकता है, यहाँ पे ट्राई किया गया है। और ओके ऑल राइट गाइज, यार तो जैसा चाहा था वैसा हुआ है, विकेट यहाँ पे हमको मिल गया है। सुनील नारायण वर्क कर गया, मतलब एक बारी ऐसा चांस जब ड्रॉप हुआ तो मुझे यार लगा ये काफी ज्यादा महंगा पड़ने वाला है, बट रिवर्स शॉट का ट्राई यहाँ पे किया था अभिषेक शर्मा ने, फंसा लिया गया है उनको। एंड अभी आए हैं बैटिंग के लिए राहुल त्रिपाठी। चलो ठीक है, राहुल त्रिपाठी जिस आपके फॉर्म से चल रहे हैं उस हिसाब से ओके, मुझे लग भी रहा था। वो भाई जिस हिसाब से बंदा फॉर्म में चल रहा है ना, उसको फंसाना इतना आसान नहीं है जितना हमने सोच के रखा है। चलो देखते हैं। अरे भाई 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 कैसा जा रहा है ये बॉल, बट कोई ना, 29/1 काफी बढ़िया ओवर। तो यहाँ पे नेक्स्ट ओवर के लिए मैं हर्षित राणा को यहाँ पे लेके आया हूँ। चलो ठीक है, हर्षित राणा। वैसे हर्षित राणा के पास पे दिक्कत ये है, पेस ज्यादा है नहीं तो थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फील्डिंग बहुत ज्यादा बेकार हुई, इतनी डिसेंट फील्डिंग यहाँ पे वैसे उम्मीदें थी नहीं, बट अगर ट्रेविस हेड को यहाँ पे फंसाया नहीं गया ना तो काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। बहुत बढ़िया बॉल था, एफर्ट फील्डिंग के अच्छे दिए जा रहे हैं जिनसे कि काफी चांस बनेंगे आगे चल के, वो चीजें सारी ऐसा समझ में आने वाली हैं। बॉल अच्छा है, कैच कर लिया गया, आउट है ये, ट्रेविस हेड को यहाँ पे आउट कर दिया गया हर्षित राणा। क्या बात है भाई, मुझे लगा वो कैच किया जा सकता, कैच कर लिया भाई, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कैच कर लिया। होता ऐसा नहीं है बट ये कुछ ज्यादा इजी था, सीधा हाथों में जा रहा था ये तो भाई, कुछ जैसा विराट कोहली को आउट किया था ये तो कुछ वैसा सा आउट हो गया। यहाँ पे सबसे बड़ा अभी तक का विकेट मिल गया हमको, ट्रेविस हेड का। एंड बैटिंग के लिए आए हैं एडिन मार्करम। भाई ये तो कोलकाता को सबसे मेन चीज मिली है, ये बॉल मुझे उतना परफेक्ट लगा नहीं लाइन और लेंथ के हिसाब से, क्योंकि बहुत ज्यादा बाहर जा रहा था। यहाँ पे मैं सोच रहा था कट हो गए थोड़ा इधर, लाइक ऑफ कटर होता तो ज्यादा सही था। भाई हेड ने सोचा इसको इधर मारेंगे तो टाइम कर सकते हैं, मतलब ऑन साइड को इसको खेल सकते हैं। इतना सही है जो लगा है, सीधा हर्षित राणा के हाथों में एडिन मार्करम आ चुके हैं। बट जो चीज हर्षित राणा ने दिला दी है ना, तो ये रोका तो जा सकता है, बट यार एफर्ट देना था यहाँ पे, मुझे लग रहा था रोका जा सकता था। मार्करम ने इनिंग को थोड़ा पुश तो किया है मुझे लग रहा है, बट अरे अरे भाई कर दिया, मैं बोल ही रहा था, वो मुझे लग रहा है बट रोका जा सकता है। बहुत बढ़िया, अबे एंड पे जाके ये लोग रुक क्यों जाते हैं भाई, थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा है, अच्छे खासे ओवर की वाट लग गई हो, 3 चौके पड़ गए इस ओवर में। ओके यहाँ पे तो एक ही मिलना चाहिए, 42/2, क्या बात है। ऑलराइट गाइस, पावर प्ले का ये आखिरी ओवर, मेरा मन थोड़ा हुआ कि मैं वरुण चक्रवर्ती को यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ। एंड अभी देखते हैं क्या पावर प्ले के आखिरी ओवर में एक विकेट और ऐसा मिल सकता है क्या। बहुत बढ़िया बॉल था बाय द वे, बट अगर हम थोड़ा लाइन लेंथ अगर थोड़ा नापें तो उतना बढ़िया भी नहीं था, थोड़ा चेंजमेंट लाना चाहिए, ये फिर भी ठीक था। तो स्लाइडर का हम प्रयोग कर सकते हैं भाई, ओके। हालांकि अगर एक विकेट निकाल के दे रहे हैं वरुण चक्रवर्ती तो काफी बढ़िया चीज है, बट हाँ उतना भी थोड़ा आसान नहीं है यहाँ पे। बट यहाँ पे सबसे मेन चीज आज जो देखने को मिली है, राहुल त्रिपाठी 2 डॉट बॉल और अभी तक कोई रन नहीं है। तो ये क्या था भाई, यहाँ पे मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, ये खेलने के लिए गया है। ओके पहले ही जमीन पे लग गया भाई, ये इधर कितना दूरी है भाई, और एकदम से ये लो, कुछ तो भाई नशे करके आते हैं। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया ओवर, मात्र 1 रन गया है भाई। हालांकि गाइस यार पावर प्ले हम जैसा चाह रहे थे वैसा गया है, 2 विकेट आए हैं, 43 कुछ ऐसा रन गए हैं। एंड अभी हर्षित राणा से हम स्टार्ट कर रहे हैं पावर प्ले के बाद। सुनील नारायण ने तो यहां पे हमको सफलताएं दिला दी हैं, बट अभी देखने वाली बात ये होगी कि अभी नेक्स्ट कौन दिलवाने वाला है भाई, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज है राहुल त्रिपाठी काफी बढ़िया खेल रहे हैं, काफी बढ़िया फॉर्म से अभी चल रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है त्रिपाठी देखो रन तो अभी बनाएंगे, फिलहाल अभी अटके हैं वो अलग की बात है। बॉल है यार, मतलब ये चांस बन क्लोज मामला हो गया भाई दबे, अगर यार ऐसा कुछ चांस बनता तो सही बता रहा हूँ काफी बढ़िया बात होती है। बॉल है यार, क्रॉस सीम का तगड़ा गया हर्षित राणा, इसीलिए तो हर्षित राणा को यहाँ पे हम लेके ही आए हैं भाई। ये भी है जो है बहुत बढ़िया, क्या बात है, स्लोअर वन का प्रयोग अच्छी तरीके से करना आता है हर्षित राणा को। मुझे लग रहा है थोड़ा आउटस्विंग रख सकते हैं इस बॉल को हम, शॉट का प्रयास किया है और चौका मिल जाएगा भाई देवे। ओके चलो वरुण चक्रवर्ती को लेके आ गए हैं नेक्स्ट ओवर के लिए।
अरे जाया था भाई, ट्राई करते हैं इस बॉल पे। बॉल है यार, मतलब बढ़िया बॉल। ओके, फील्डिंग में यहाँ पे थोड़ा सा और हमने बदलाव किया है त्रिपाठी के लिए। मुझे पता है त्रिपाठी बड़े हिट्स लगाने का पूरा ट्राई करेंगे अभी, क्योंकि प्रेशर ऑलरेडी हम लोग क्रिएट कर चुके हैं हैदराबाद के ऊपर। ओ, खुद पे प्रेशर नहीं आने देना भाई। प्रेशर वाला अब नहीं था बड़ा, तो थोड़ा सा भटके तो जरूर थे उस बॉल पे हम। बढ़िया बॉलिंग चल रही है, क्या बात है, एकदम मतलब से किफायती ओवर निकाल के दे रहे हैं वरुण चक्रवर्ती के। पहले ओवर पे ऐसा 1 रन आया था, दूसरे ओवर पे 2 ही रन आए अभी तक, हालांकि ये तीसरा हो गया है। अब तुम लोगों को ऐसा क्या लग रहा है, कितना स्कोर अभी जा सकता है? अगर यहाँ पे ये लोग ऐसा 180 के साइड जा रहे हैं, 180-90 के साइड पे, जो कि अभी तो देखो पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि उनके पास वहाँ पे विकेट्स हैं। यहाँ पे मेरा मन हुआ थोड़ा रसल को लाया जाता है, मतलब लाया जाए थोड़ा सा। अरे भाई रसल वो लेके आया तो पहले बॉल पे पड़ गया यहाँ पे। तो एडिन मार्करम बढ़िया खेल रहे हैं। ये हवे में तो ये क्या आउट मिल सकता है, हर्षित राणा ज्यादा पीछे नहीं जाना, वो आउट है। एडिन मार्करम यहाँ पे शॉट लगाने के लिए गए थे और फंसा लिया गया है। एंड्रे रसल वो लेके आए थे और तीसरा विकेट। भाई एसआरएच अभी तो थोड़ा लग रहा है एसआरएच को हम लोग डाउन कर पा रहे हैं। एडन मार्करम 14 बॉल्स में 18, एंड अभी आ रहे हैं नीतीश कुमार रेड्डी। क्या रसल दूसरा विकेट ला पाएंगे? ओके ओके, बढ़िया बॉल। आज यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये चीज़ है, हम लोग अलग अलग फील्डिंग में ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है यार, बॉल बहुत बढ़िया है। अगर यहाँ पे कुछ 150 रन या 160 कुछ जा रहे हैं यार, तो भी चांस है यार केकेआर इसको चेज कर लेगा। बट 190 और अगर ऐसा कुछ जाएगा जिसके अभी चांस कम है। और भाई थोड़ा जल्दी मारना था यार गुरबास को, पहला रन तो हो गया भाई, दूसरे के लिए ये लोग कितना पीछे आ गए थे यहाँ पे। ये भाई पूरा बीच क्रीज पे आके बैक हो गया, ये बॉल आ गया इसके बाद। ये तब तक भाई रिएक्शन देता रहा यार, ये क्या बोल। अगर ये थोड़ा ध्यान देता तो भाई रहमानुल्लाह गुरबास अगर थोड़ा ध्यान देता तो काम बन जाता। बट राहुल त्रिपाठी बॉल तो उठाएगा, शॉट मिल जाएगा भाई, शॉट यहाँ पे। ओके, वरुण चक्रवर्ती को लेके आए हैं यहाँ पे हम, और सामने की साइड पे नीतीश कुमार रेड्डी, बॉल अच्छा था। मेन चीज ये हो जाती है, हमको इनको ऐसा सेट नहीं होने देना है। ये सेट हो गए तो फिर दिक्कत हो सकती है, अगर सेट नहीं हुए हैं लाइक फिलहाल तो बहुत बढ़िया बॉलिंग चल रही है, क्योंकि प्रेशर में इनको लिया है। ओके, बहुत बढ़िया भाई, प्रेशर आज फुल्ली भाई इन पे बिठा के रखा हुआ है हमने। और स्टेप आउट का प्रयास, बट कनेक्शन अच्छा नहीं है यहाँ पे। नीतीश कुमार रेड्डी, क्या फंसाया जा सकता है, आउट है। ये नॉर्मल, इसको ऐसा डिफेंड करने गया था, वो एज लगा और काम बन गया। वरुण चक्रवर्ती विकेट लेके आ गए हैं यहाँ पे। भाई एसआरएच अभी तो हो रही है, बहुत डाउन हो रही है एसआरएच, रिव्यू लिया नहीं गया है बॉल। एक टाइम पे तो मुझे लगा भाई ये आउट नहीं है, बट अपील मार ही नहीं था मैंने। नीतीश कुमार रेड्डी मात्र 1 रन बना के यहाँ पे आउट हो रहे हैं। अभी आ गए हैं हेनरिक क्लासेन। अभी क्लासेन पे भाई देखो प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, ऐसे टाइम पे इनको बहुत अच्छा खेलना। ओवर भाई क्या गया है, क्योंकि वो वाला ओवर मेड इन ओवर गया था। बाय द वे सामने है राहुल त्रिपाठी। चलो भाई देखते हैं एंड्रे रसल वर्सेस राहुल त्रिपाठी। शॉट का प्रयास, बट कुछ ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पे। हेनरिक क्लासेन है, पहले हम गुड लेंथ की बॉल से स्टार्ट करते हैं हेनरिक क्लासेन। ओके, खेलने के लिए तो आराम से गया, मतलब कि अभी मूड से इस मूड से आए हैं कि उनको थोड़ा ऐसे टिक के खेलना है यहाँ पे। लेकिन यार अगर यहाँ पे ये बंदा टिक गया ना तो दिक्कत हो सकती है राहुल त्रिपाठी या फिर बोल सकते हैं हेनरिक क्लासेन, इनमें से हमको भाई तो वैसे तो दोनों को आउट करना पड़ेगा। बट जो भी ऐसा जैसे राहुल त्रिपाठी हो गया, वो यार यहाँ पे थोड़ा सा इनिंग्स को बिल्ड कर रहा है, वो सोच रहा है वो थोड़ा सेट हो जाए उसके बाद खेलने के लिए जाए, और ये चीज़ हमारे लिए आगे थोड़ा हमको दिक्कत भी दे सकती है। बॉलिंग काफ़ी अच्छी चल रही है, राहुल त्रिपाठी एंड हेनरिक क्लासेन दोनों को ही रोक के रखा हुआ है। ओ ये यहाँ पे ओके वाइड नहीं है, सबसे अच्छी बात है। हालांकि वार्निंग मिल गया, बट ये अच्छी बात है वाइड नहीं मिला है, और मुझे ऐसा लग रहा है काफी हद तक फंसा लिया गया है। बॉल अच्छा था यार, ये भाग रहे हैं भाई, भाग रहे हैं, बॉल पकड़ो बे भैंस की आंख तुम्हारी पे, क्या हो रहा है ये, अरे लॉल क्या चल रहा है भाई ये। ऐसा कुछ बॉल गया, एज लगा यहाँ, ऐसा कुछ बॉल गया, ये एज लगा, ये पकड़ा, बट वेट, हाँ ये अभी भी वही पोजीशन में है, शॉट लग गया, ये अभी भी वही पोजीशन में है, वहां से ये भाग गया भाई। राहुल त्रिपाठी यहाँ पे रनिंग करने के लिए भाग गया, क्लासेन ने देखा ही नहीं भाई, क्लासेन तब भागा जब यहाँ पे राहुल त्रिपाठी पहुंच गया।
अब क्लासेन तो जा रहा है दोबारा से, यहाँ पे हुआ है मिसफील्ड, बॉल अलग ही घूम रहा है भाई, वो अलग ही लैंड पे घूम रहा है, ये देखो ये अलग ही जगह पे है। इनको लगा एक रन और लिया जा सकता है और उन्होंने एक रन और ले भी लिया। चलो सुनील नारायण को लेके आए हैं, मुझे लग रहा है नारायण यहाँ पे कुछ तो कर सकते हैं। ओ बहुत बढ़िया बॉल यहाँ पे हेनरिच क्लासेन, क्या क्लासेन को फंसाया जा सकता है और बॉल है यार नारायण, क्या बात है, बॉलिंग एक नंबर चल रही है, सुनील नारायण फंसाना बनता है भाई, बहुत बढ़िया बॉल यार बहुत बढ़िया। अरे रुक लेता भाई, दो जाएंगे अभी तो यहाँ पे, हमें बोल ही दिया था दो जाएंगे यहाँ, बाकी सब तो ठीक चीज है। अगर ये सामने खड़ा हुआ बंदा चल गया तो अभी 190 प्लस जाने वाला है स्कोर। अब बॉलिंग अच्छी चल रही है, मैं क्या बोल दूं अभी यहाँ पे, क्या लग रहा है हेनरिच क्लासेन आउट किया जा सकते हैं। ओ मुझे लग रहा है ये शॉट लगी गया है वाइड अवे, एंड वो चीज मैं यहाँ पे बोल ही रहा था, अगर ये बंदा चल गया तो दिक्कत हो सकती है। ओके यहाँ पे कुल का प्रयास किया गया है और रन यहाँ पे एक मिल जाएगा। ओके मुझे यहाँ पे लगा यहाँ से वरुण चक्रवर्ती को फिर से ट्राई किया जा सकता है, चलो देख ले। अरे भाई 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 भाई, भाई। गैप में खेलने का प्रयास बट रन एक ही मिलेगा। अभी तक तो काफी बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन देखने को मिला है, वाइट द वे बॉल है यार चक्रवर्ती, क्या बात है। त्रिपाठी भाई आज अलग ही किस मूड में खेल रहे हैं मुझे नहीं समझ, आउट है, मिल गया विकेट यहाँ पे और फंसा लिया गया है राहुल त्रिपाठी को, SRS को भाई एक टाइप से अपने हाथ में हमने यहाँ पे ले ही लिया। अब यहाँ पे क्या रिव्यू लेंगे वो थोड़ी देखने वाली बात होगी, रिव्यू लिया नहीं गया है, स्टेप आउट किया था, एज लगा है, सीधा सीधा कैच है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। राहुल त्रिपाठी ओनली 16 रन बना के आउट हुए हैं एंड अब्दुल शामाद आए हैं बैटिंग करने के लिए। चलिए भाई अब्दुल शामाद क्या कर सकते हैं आज कुछ आप, और आराम से खेलने का ट्राई मार रहा है वैसे, मतलब आज तो भाई इकोनॉमी ऐसा चेक करनी है मेरे को आज, वरुण की क्या रहने वाली है। वो स्टेप आउट भाई एक टाइम पे लगा फंसा लिया बट कोई बात नहीं है, हेनरिक क्लासेन के बल्ले पे बॉल आ जाए ना तो वो सीधा उड़ ही जाए बट बल्ले पे आ ही नहीं रही है। गैप तो मिल गया यहाँ पे, गैप मिल गया तो चौका भी मिल ही जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो मैं चक्रवर्ती की बात कर रहा था भाई, 2.75 की इकोनॉमी, क्या तगड़ी बॉलिंग करी है भाई। ओके सुनील नारायण इनटू द अटैक, क्या लगता है फ्लाइट बॉल था यहाँ पे अब्दुल शामद। अभी ये लोग थोड़ा खुल के इसलिए नहीं खेल रहे हैं क्योंकि ओवर इनके पास अभी काफी बचे हुए हैं, ये लोग ऐसा एक एक दो दो रन करके भी जोड़ेंगे तो इनको लग रहा है ये थोड़ा बहुत स्कोर बिल्ड कर सकते हैं। भाई स्टेप आउट पे आज कनेक्शन किसी का नहीं होने दे रहे हैं, मतलब वैसे भी चेपोक स्टेडियम में स्पिनर के अलग ही जलवे चलते हैं तो हालांकि वैसा कुछ हो भी रहा है। ओके ठीक है नारायण विकेट चाहिए यहाँ पे, तो बैक फुट खेल लिया है भाई, एक एक दो दो रन करके जोड़ तो रहे हैं, कितने जोड़ेंगे भाई इसे। अरे यार हालांकि यह जाए बट रोका जा सकता था, बढ़िया बहुत ज्यादा फास्ट आउट फील्ड है, ये चौका लगा तो एच का ही है बट वैसे तो बढ़िया बॉलिंग चल रही है, क्या बात है। एंड क्लासेन है सामने की साइड पे, ओवर नंबर ये 14 है एंड रसल से हम कर रहे हैं स्टार्ट। ओ ये थोड़ा तेजी से खेला गया शॉट है हेनरिक क्लासेन का, क्या आउट होने के मूड में थे क्या, अगर डायरेक्ट हिट होता तो आउट हो भी जाते यहाँ पे। फिलहाल अब्दुल शामाद सामने की साइड पे, ओके 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 एक ही मिलेगा, अभी तो मुझे पूरी की पूरी हेनरिक क्लासेन के ऊपर उम्मीदें हैं जब तक ये टिके हुए हैं, मुझे लग रहा है ये थोड़ा बिल्ड करेंगे भाई, लग ही रहा था अभी थोड़ा खुलने का प्रयास यहाँ पे किया जरूर जाएगा, मुझे पूरी उम्मीदें लग रही थी अभी ऐसे थोड़ा खुलेंगे हेनरिक क्लासेन एंड वैसा भी कुछ हुआ भी है भाई, ज्यादा नहीं खुल गए भाई, ये बंदा अभी अगर बचे हुए ओवर में मार दिया ना ये कुछ भी कर सकता है भाई। रसल भाई कुछ करना पड़ेगा, रसल कुछ कर भाई, ओके स्लोअर वन काम कर गया मुझे लगता है, पकड़ लो, बढ़िया फील्डिंग भाई, एक टाइम पे कुछ ऐसा नहीं लगा रसल ने फूट दिया पकड़ के, अलग ही लेवल का मारा है। ओके चलिए सुनील नारायण का लास्ट ओवर, ये हम नारायण की साइड जाने वाले हैं, ये स्टेप आउट किया हेनरिक क्लासेन ने बट ये आउट हो सकता है यहाँ पे, बहुत हद तक थे चांसेस, बढ़िया सिक्स है भाई, अलग ही खेल रहे हैं क्लासेन में, अलग ही भाई जान सी आ गई, ऐसा नहीं लग रहा है तुमको, बट ये तो रोका जा सकता है, बहुत बढ़िया भाई क्लासेन अलग ही यहाँ पे रन रेट पुश करने पे लगा पड़ा है टीम का। अभी मैं सही बताऊँ मुझे क्लासेन से लग रहा है डर, क्या मारने वाला है ये। ओके फिर भी बढ़िया बढ़िया बॉल यहाँ पे सुनील, क्या बात है, क्या क्लासेन को इस बॉल पे फंसाया जा सकता है। चांस तो बने थे यहाँ पे बट कोई बात नहीं है, एक ही रन मिलेगा भाई, ऑलरेडी 9 रन आ गए हैं एंड ये है ओवर का लास्ट बॉल,
क्या कुछ हो सकता है इस पे। ओके भाई 10 रन आ गए इस ओवर में 115 पे 5। ओके गाइस 100 भी यहाँ पे बचे हैं, अब 4 ओवर लास्ट के और हम लोग लेके आए हैं रसल को। देखते हैं भाई, हेनरिच क्लासन तो अलग ही फॉर्म में आ गए हैं भाई, बट फिलहाल अब्दुल शमद, बट बॉल रोका जा सकता था, फील्डिंग बहुत बेकार हुई है यहाँ पे। हालांकि हमने थोड़ा सा फील्डिंग में ऐसा चेंज किया है, मतलब उसका फायदा देखने को मिलेगा वो नहीं पता है भाई। ये आखिरी के 4 ओवर में क्या फॉर्म में आ गए हैं, लास्ट के ओवर में उन्होंने भी ऐसा सोच के रखा है अभी या तो आ रहे या तो पा रहे, तो इनको मार ही लो ढंग से, बट रुक जाओ। फील्डिंग भाई ने तुम्हारा चेंज कर दिया, अभी रन मार के दिखाओ यहाँ पे तुम, क्योंकि बॉलिंग अब चलेगी यहाँ पे बिल्कुल फील्डिंग के हिसाब से, तो रन मार के दिखाओ। तो मैं यही देख, थोड़ा पैरों पे क्या रखा भाई, ये तो अलग ही चौके पड़ गए यहाँ पे भाई। इस हिसाब से पड़े ना तो अभी सीन हो जाएगा। रसल 3 चौके आ गए हैं, कुछ करना पड़ेगा, विकेट ले ले। सिंगल ही आया, बट यहाँ सामने की साइड पे हेनरिक क्लासन, क्या लगता है हेनरिक क्लासन आउट हो गए हैं मुझे लग रहा है भाई। और रूम बना के चौका मार दिया 132 पे 5। ओके 17th ओवर के लिए हम लोग लेके आए हैं मिचेल स्टार्क को, एंड अपना जो प्लान रहने वाला है वो शायद तुम लोग थोड़ा बहुत अभी समझ ही गए होगे। यहाँ पे विकेट लेने का प्लान, बहुत बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे। अभी ये 3 ओवर में अगर कुछ ज़्यादा रन नहीं गया ना तो भी अभी कुछ बिगड़ा नहीं है वैसे, पर मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ चीज़ें बिगड़ गई हैं, क्योंकि यहाँ पे एक शॉट आ गया 6। अब्दुल शमद अभी तक तो नहीं मार पा रहे थे, बट अभी तो लग रहा है फॉर्म वापस आ गया है भाई। बॉल बहुत तगड़ा गया, बहुत तगड़ा गया ये, अगर ये आउट मिलता ना अभी तक का सबसे बेस्ट विकेट होता है यहाँ पे। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ये उड़ गई भाई, पकड़ो भाई, कोई लग गया चौका भाई। यार यहाँ पे 1-6 और 1-4 आया, वो अलग की बात है, बट मेरी रिंग लाइट खराब हो गई है यार। तुम लोग सब्सक्राइब कर दो भाई, थोड़ा बहुत पैसा आए तो यहाँ पे एक नई रिंग लाइट अच्छी सी खरीद लूँ। मेरी अभी कुछ दिन पहले एक रिंग लाइट खराब हुई थी, अभी ये और होगी भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। बट कोई बात नहीं है, फोकस मैच पे रहना चाहिए। एक चौका पड़ गया है, एक छक्का पड़ गया है। अब्दुल शमद अलग ही फॉर्म में, बहुत बढ़िया बॉलिंग मिचेल स्टार्क। और दिक्कत वाली बात यह है, लास्ट ओवर भी मिचेल स्टार्क को ही डालना है, तो 150 तो अभी पहुंच गया है। नेक्स्ट ओवर हर्षित राणा का, देखते हैं ये लास्ट बॉल। बॉल है यार, यही तो डालनी थी यार। हो गए, हर्षित राणा को लेके आ गए हैं, 18th नंबर का ओवर है। हेनरिक क्लासन है सामने की साइड पे, स्लोअर वन से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा प्लान के मुताबिक बॉलिंग नहीं करी थी, तभी वो हो गया। राउंड द विकेट आके अब करते हैं। अरे रूम बना के मार रहा है क्लासन यार, अलग ही क्लास दिखा रहा है। 150 तो पहुंचा दिया है भाई। अभी नहीं यार, अभी आउट करना पड़ेगा। क्लासन आउट हो गया बेटे तू। बॉल है यार, क्या बात है हर्षित, क्या वार्निंग मिलेगा मुझे तो लग रहा है, बट वार्निंग मिला नहीं है, क्या बात है। बहुत सही शॉर्ट बॉल, काफी हद तक वर्क किया है, स्लोअर बन भी था तो। अरे बॉलिंग है यार, बहुत बढ़िया। 2 चौके पड़ने के बाद फिर 2 डॉट बॉल, मतलब कि अगला क्या डॉट आ सकता है। कनेक्ट कर लिया इस बारी और गैप मिल गया इस बारी। एंड इसी चौके के साथ में हेनरिक क्लासन 29 बॉल में 53। ये बहुत ही अच्छी पारी है, क्योंकि ये एक आई है बहुत ज़्यादा प्रेशर में, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि SRH ऐसा 100-110 रन पे निपट जाएगी, बट यहाँ पे लग रहा है मुझे विकेट मिल गया है। अब तो सीन हो गया भाई। वाइड यॉर्कर का प्लान लेके मैं यहाँ पे थोड़ा सा आया हूँ भाई, देखिए कितना ज़्यादा ऐसे सफलता मिलेगी वो देखते हैं। मुझे यहाँ पे तो लग रहा है कैच की उम्मीद में आया था, लास्ट ओवर बचाना पड़ेगा भाई, वरना अच्छी खासी कुटाई तो अभी होगी यहाँ पे। कोई बात नहीं, वाइड यॉर्कर पे पहली बॉल पे तो 6 पड़ गया यहाँ पे, लास्ट ओवर चल रहा है यार, क्या कर रहे हो यार। ओके बहुत बढ़िया, ज़्यादा मत ठुकने दो यार इनको, ज़्यादा ठुक जाएंगे क्या फ़ायदा। कोई ना, देखते हैं। वाइड यॉर्कर का प्लान सही चल रहा है, अभी तक तो सही चल रहा था, और चौका लग गया यहाँ पे लास्ट की 3 गेंदों में। और डर तो बहुत तेज़ है, वाइड यॉर्कर जा भाड़ में, बहुत सही इनस्विंग बॉल, थोड़ा बहुत मिचेल स्टार्क बचा सकते हैं अभी लास्ट के 2 बॉल में। बहुत बढ़िया बॉल, क्या बात है, मात्र 1 रन ही आया यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, योर ओवर का लास्ट बॉल है, बट सीन ये है सामने हेनरिक क्लासन, एंड क्या क्लासन शॉट के लिए जाएंगे। जी हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है क्लासन जरूर जाने वाला है भाई एक शॉट के लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना जाए। वाइड हो गया, कोई बात नहीं है, प्रेशर नहीं लेना है, दोबारा ट्राई करते हैं भाई, आ सकता है बढ़िया बॉल यहाँ पे। ओके बट
टैक्टिक्स पड़ी आ गई भाई। कहां हमको लग रहा था 110 रन पे पूरी एसआरएच खत्म, पूरा लपेट दिया हमने। ट्रेविस हेड 16 रन, अभिषेक शर्मा 16 रन, राहुल त्रिपाठी 16 रन, वे साले 16 के अलावा किसी ने बनाए नहीं थे। एडन मार्करम 18 रन, नीतीश कुमार रेड्डी 1 रन, वहां से 100 क्लास इन एंड अब्दुल शमाद की पारी एकदम इनक्रेडिबल चली है एंड भाई 178 बना दिए हैं और 179 का टारगेट है। रहमानुल्लाह गुरुबाज एंड सुनील नारायण आए बैटिंग करने के लिए, सामने दिखेंगे बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार। दिक्कत वाली बात यह है यहाँ पे आज ड्यू आएगा या फिर नहीं, अगर नहीं आया तो हमारे साथ तो सीन हो जाएगा यहाँ पे आज, देखते हैं। बट थोड़ा सा शॉर्ट बॉल से स्टार्ट किया बट वही वाइड निकली है। भुवी ने स्टार्ट थोड़ा सोचा होगा शॉर्ट बॉल से करेंगे डरा के, बट वो गलत ही स्टार्ट हुआ है। ओके रहमानुल्लाह गुरबाज भाई फील्डिंग देखना पड़ेगा थोड़ा सा, देखो 179 का टारगेट है, देखो थोड़े दिमाग से खेलने की जरूरत है यहाँ पे। अगर हम जितना विकेट पे फोकस करेंगे, विकेट बचा के खेलेंगे, उतना ही बढ़िया ओवर खेल पाएंगे। तो स्लोअर बॉल को थोड़ा रोका जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, स्लोअर बॉल को नहीं हम प्यार से खेल सकते हैं, बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। दिक्कत यह है अगर मैं इधर बैक फुट खेलने के लिए चला गया तो दिक्कत हो सकती है, बट अभी ट्राई करना पड़ेगा, ऑप्शन है ही नहीं अपने पास कुछ। अगर ये मैं ऐसा ट्राई ना करता तो सीन हो जाता। ऑलरेडी 3 डॉट बॉल आ चुकी थी बट कोई ना। सुनील नारायण 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 क्या लगता है क्या कर रहे हो सुनील भाई? भाई कुछ भी कर लो बट ये खतरनाक शॉट मत प्ले करो, या तो फिर इसमें कनेक्शन ही इतना बढ़िया हो। अच्छी बात तो यहाँ पे ये भाई ये क्या चीज है, उड़ता हुआ क्लासेन, ये यहाँ से ये अलग ही भाई ये चीज भाई। पहला ओवर तो बहुत ज्यादा बेकार गया है बाय द वे, बट ब्लास्ट बॉल ओके बहुत सही। टाइम करने के लिए गए हैं और टाइम क्या है तो रन मिल गए हैं, वैसे 6 ही रन आए पहले ओवर में। ओके सेकेंड ओवर के लिए भाई स्वयं कैप्टन पधारे हैं पैट कमिंस एंड सामने हैं रहमानुल्लाह गुरबाज। यहाँ पे जरूरत है हमको थोड़ा समझ के खेलने की, अभी हम थोड़ा गलत ही खेल रहे हैं। हाँ ये बैक फुट खेलने का ट्राई बट फील्डिंग बहुत अच्छी चल रही है भाई। ठीक है भाई कैप्टन का माइंडसेट थोड़ा तो समझाऊं मैं। रहमानुल्लाह गुरबाज 7 गेंदे खेल चुके हैं, कुछ एक ही रन आया अभी तक, क्योंकि बॉल ही नहीं पल्ले पड़ रहा है। क्या बॉल आ रहा है पैट कमिंस का, 4 डॉट बॉल हो चुकी है, मुझे लग रहा है आज KKR के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है भाई, अभी के हिसाब से तो यही लग रहा है। बहुत भाई एकदम बाहर रख रहा है, बिल्कुल रडार के अंदर थोड़ा आ ही नहीं रहा। अभी लास्ट ऑप्शन यही है, हमको थोड़ा रूम बना के खेलना पड़ेगा, रन नहीं आएगा, मेडन जा रहे ओवर, रिस्क लेना पड़ेगा। अभी मेडन ओवर निकाल दिया भाई, बहुत घटिया खेला यहाँ पे हमने। और सुनील नारायण के बल्ले पे कम से कम ऐसा गेंद लग तो रही है, रहमानुल्लाह गुरबाज के बल्ले पे बॉल ही नहीं आ रहा है भाई। आज तो फिल सॉल्ट की याद आ रही है भाई, फाइनल मैच चल रहा है यार, थोड़ा संभाल के खेल लो। बड़ा शॉट अगर मैं खेलने बाय चांस को अगर चला गया, बाय चांस कनेक्शन ना अच्छा हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, बट कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, अगर रिस्क लेंगे नहीं तो हमारे साथ थोड़ा भी दिक्कत होगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ चुका था। सुनील नारायण ने शॉट मार के थोड़ा सा प्रेशर तो रिलीज किया, बट रहमानुल्लाह गुरबाज को अभी कुछ तो करना पड़ेगा भाई। ओके सुनील नारायण रेडी हो चुके हैं, एक चौका मारा है, दोबारा फिर तो छक्का मार दिया गया है और ऐलान कर दिया गया कि तुम्हारा भाई रेडी है। देखो अभी यहाँ पे गेम में आ गया थोड़ी सी दम, अभी लग रहा है कि कुछ तो ऐसा कर सकते हैं, अभी मैच यहाँ पे थोड़ा हाथ में, बहुत बढ़िया शॉट है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया अभी मुझे लग रहा है नारायण का। अभी तक तो ओवर काफी सही गया, रहमानुल्लाह गुरबाज को ट्राई करना चाहिए, हालांकि थोड़ा बिल्ड करें आप तो खुद को। बहुत घटिया खेले हैं और ये नारायण के लिए दिक्कत हो सकती थी, बट रनिंग अच्छी यहाँ पे। पैट कमिंस सामने की साइड पे, रहमानुल्लाह गुरबाज भाई तुम पहले ना बैट लगाना सीख लो, बाकी की बात थोड़ा फिर बात। ये क्या सीन है यार, मैं अंदर तो खड़ा था भाई। हाँ सही तो है, भैंस की टांगे फालतू में डरा देते हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज 2 ओवर ले चुके हैं, मात्र 1 रन दिया है, अभी देखते हैं। ये तो वाइड लग रहा है, हाँ वाइड दे दिया गया है। अभी अगर गुरबाज ने शॉट नहीं मारा ना तो भाई इससे अच्छा तुम आउट हो जाओ, कोई मतलब बनता नहीं है ऐसे खेलोगे फिर। और KOK कनेक्शन देखो ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं हुआ बट आउट नहीं हुआ है, चौका मिल गया यहाँ पे। वही बात मैं कर रहा था, गियर अप यहीं से आपको करना पड़ेगा। वाइड बॉल है, एक चौका पड़ा नहीं, कमेंस पे प्रेशर दिख जाता है, जबकि इसका पहला ओवर मेडन निकला था, फिर भी भाई इतना खौफ क्यों है।
ओके 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 बढ़िया। अभी सुनील नारायण के ऊपर भाई ये कितना मार रहे हैं। अरे ये उसका बॉल बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, इस लेवल का चल रहा है भाई। ऐसा नहीं लग रहा, थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, जब ऐसी दिक्कत आएगी तो सुनील नारायण का बल्ला चलेगा और रन मिलेंगे। बट यार अगर थोड़ा प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम उतना बढ़िया अभी भी नहीं खेल रहे हैं। बहुत बढ़िया टाइम करने के लिए गए हैं, दो का प्रयास जरूर रहने वाला है यहाँ पे और दो रन यहाँ पे मिल भी जाएंगे भाई। अभी तो ये हाल है। ओके रहमानुल्लाह गुरबाज का बल्ला चल गया भाई, गुरबाज गुरबाज तो गुरनाल इश्क मिटा, ये वाला सीन हो गया भाई। नट्टू को मार दिया यहाँ पे शॉट, क्या भाई कनेक्शन हुआ है बैट से। राउंड द विकेट आके अब बॉल डालेंगे नट्टू। ओके ओके आउटस्विंग का प्रयास, अभी समझ रहे हैं थोड़ा सा नट्टू को समझना पड़ेगा, अरे इतना आसान नहीं है यहाँ पे। ओके ओके गैप गैप दिख रहा था, गैप का पूरा फायदा उठाया गया है, चौका लगाया गया है ना, भी ऐसा लग रहा है काफी ज्यादा मोमेंटम बन चुका है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे 10 बॉलों पे जो 21 रन मारे हैं नारायण ने, वहां से पूरा गेम ऐसा गेम चेंज, वही वो ओवर गेम चेंज कर दिया था पूरा। अभी तो सीधी बात है, सिंगल लेते जाओ रन जोड़ते जाओ, सिंगल लेते जाओ रन जोड़ते जाओ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे थोड़ा सा ये जो चल रही है हमारी पारी, इसको और थोड़ा अच्छे से बिल्ड करना। ओवर का लास्ट बॉल है, ट्राई जरूर रहेगा कि शॉट आ जाए, बट देखते हैं। बहुत लेट हो गया भाई, दे भाई अभी हम अच्छा खेल रहे हैं, अभी कोई कमी नहीं है। पैट कमिंस बॉलिंग यार क्या सही कर रहा है भाई, यार बॉल टप्पा खा के बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है जा किधर पे रहा है, तो वो चीज का थोड़ा ऐसा सीन हो रहा है यहाँ पे। फिर भी ठीक है, रन मिल जाएंगे क्योंकि गैप ऐसा खुला पड़ा हुआ है, तो रन तो मिलेंगे यहाँ पे। सुनील नारायण क्या थोड़े और रन ठोक सकते हैं, और बॉल है भाई, मैं बोल ही रहा हूँ बहुत नेक्स्ट लेवल बॉलिंग चल रही है पैट कमिंस की। ये भाई ऑस्ट्रेलियन को पता नहीं क्या होता है, जो ऐसे मैचेस होते हैं अलग ही लेवल की बॉलिंग चलती है इनकी। क्या शॉट खेलने गए नारायण यार, इतना बढ़िया खेल रहे थे, क्या शॉट है यार। अरे भाई ये जरूरत भाई थी भी नहीं ये शॉट की, बहुत घटिया शॉट। 15 पे यार 24 अच्छा खेल लेते, यहाँ पे सेट हो चुके थे, फेंकी आए हैं, चलो देखते हैं भाई। ऑलरेडी यहाँ पे प्रेशर था यार, बड़ी मुश्किल से तो उसको रिलीज कर पाए थे हम, बट कोई बात नहीं है, वेंकटेश अय्यर आके उसको रिलीज कर देंगे। पहले बॉल पे चौका लगा दिया गया है और प्रेशर को रिलीज कर दिया गया है भाई, इस चीज़ की थोड़ी ऐसा ज़रूरत भी थी, यहाँ पे एक चौका बहुत ज़रूरी था। ओके 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 कोई नहीं रन भागो भाई, रन आने चाहिए, बाकी तो बात की बात है। 50-1 पावर प्ले खत्म हो चुका है, एंड पावर प्ले के बाद आपको देखने को मिले हैं भुवनेश्वर कुमार, सामने है वेंकटेश अय्यर। ओके कनेक्शन हालांकि उतना बढ़िया नहीं है, बट दो रन का ट्राई हो सकता है और दो मिल जाएंगे। हालांकि आज बहुत ऐसा धीमा मैच तो चला है भाई, बॉलिंग यार भूवी आज कोई भी बंदा हो यार बॉलिंग अच्छी चली है, क्योंकि ये लोग ज्यादातर स्लोअर वन ट्राई कर रहे हैं। स्लोअर वन में प्रॉब्लम होता ही है भाई, कुछ भी कर लो स्लोअर वन ऐसे बहुत आसान नहीं है खेलना, दिक्कत आती है उसको खेलने में। ये तो देखो वाइड होना चाहिए, ओके वाइड दिया गया है बैंकी भाई, अभी शॉट चाहिए यहाँ पे। और ट्राई मारा था बट वो बैट पे कनेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब भूवी के ओवर में अभी शॉट तो नहीं ट्राई करने वाले, क्योंकि जब आपके बैट से बॉल लग नहीं रहा हो तो अच्छी बात इसी में है कि आप वो ना ही ट्राई करो तो ज़्यादा बढ़िया बात है। पर यहाँ पे रहमानुल्लाह गुरबाज को ट्राई करना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। नहीं अब मत भागो, ठीक है एक जीवन दान बहुत है भाई। मैं सोचा तो था एक शॉट थोड़ा ऐसे ज़रूरी है, शॉट खेला एज लगा क्लासेन उड़ता हुआ क्लासेन, अगर ये कैच हो जाता तो दिक्कत हो जाती, बट कैच ड्रॉप, बट डर गया भाई ये कैच जिस प्रकार का ये था यहाँ पे। ठीक है ठीक है, रहमानुल्लाह गुरबाज ऑलरेडी बहुत स्लो खेल रहे हैं, तो अगर आउट भी हो जाते तो वो ये फुल टॉस बॉल कनेक्शन अगर थोड़ा और अच्छा हो जाता तो मामला बन जाता। फुल टॉस को यार अच्छे से खेल नहीं पाया का बहुत ज़्यादा दुख हो गया भाई, फुल टॉस खेल सकता था मैं थोड़ा और अच्छा। ओ शॉट बॉल 76 पे 1-2-1 चाहिए अपने को। ओके
अरे यार कनेक्शन ही नहीं हो रहा है बिल्कुल बैट से, वार्निंग मिल गया, हालांकि बैट से कनेक्शन होना चाहिए तब हो नहीं रहा है, दिक्कत इस बात की है। कमिंस अलग ही बॉलिंग कर रहा है, इसीलिए उसने देखा भाई 10 ओवर के अंदर अपने 4 ओवर निपटा दिए हैं, क्योंकि उसको भी पता है उसको आगे स्पिन को इंट्रोड्यूस करवाना है तो पेस का जल्दी काम खत्म हो उतनी ज्यादा बढ़िया बात। पहले बॉल पे 2 रन आए थे, उसके बाद लगातार 4 डॉट बॉल, अभी उम्मीदें कम लग रही हैं शॉट की मुझे, बट कोई बात नहीं है, बैंक ही है तो शॉट आपको जरूर देखने को मिलेगा। छक्का मार दिया है और अभी भी गेम में बने हुए हैं, एंड भुवनेश्वर कुमार अब देखने को मिलेंगे। अरे भाई स्विंग था यार, 71 पे 115 चाहिए और वाइड लग रहा है मुझे, ये वाइड दिया ही नहीं है, लॉल ये वाइड था कहाँ से, नहीं भाई ये एक कहाँ से नापोगे, ये पूरा वाइड जा रहा है भाई, सरे हम वाइड बॉल जा रहा है, ये वाइड कहाँ से नहीं है, बैट का पोजीशन देखो क्या भाई, मैं वहीं पे खड़ा हूँ वहाँ पे, बट यार वाइड ये देना चाहिए बस, 70 बॉल्स पे 115। ओके टाइम अच्छा क्या है, यहाँ पे रन भागे जाएंगे, 2 रन तो मिल सकते हैं यहाँ पे भाई, ऐसा नहीं लग रहा है, थोड़ा पुश करना चाहिए यहाँ पे केकेआर को, मुझे तो लग रहा है भाई केकेआर को थोड़ा भी पुश करना चाहिए यहाँ पे, खासकर अगर देखा जाए तो रहमानुल्लाह गुरबास को भाई, इनको तो बहुत ज़रूरत है पुश करने की। ओके बैंक की ट्राई तो शॉट किया था बट यार मैं रूम बना के मैंने सोचा बैकफुट खेल जाऊंगा बट क्या हो गया ये, मैंने सोचा रूम बना के बैकफुट मैंने खेला शॉर्ट बॉल एकदम परफेक्टली, बट वो यार पैट कमिंस के हाथों में चला गया सीधा। बैंक की 14 बॉल्स पे 16, यहाँ पे श्रेयस अय्यर को आना चाहिए या नीतीश राणा को, मुझे पता क्या लग रहा है नीतीश राणा को आना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन थोड़ा मैं बना के लेके चल रहा हूँ स्टार्ट से, तो लेफ्ट राइट का बना रहेगा तो ज्यादा सही चीज रहेगी, एंड 67 पे 112 चाहिए फिलहाल। ओके रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कनेक्शन उतना बढ़िया हुआ नहीं था बैट से, एंड अच्छी बात यह है ये है एक नो बॉल, मतलब कि यहाँ पे मिली है फ्री हिट, फ्री हिट का उपयोग क्या हम कर पाएंगे वो देखने वाली बात है। राणा जी क्या बोल दूं यार मैं अभी। ओके शाहबाज अहमद आ गया, मतलब कि अब यहाँ से स्पिन का कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है, अभी थोड़ा आराम से खेलियो भाई। रहमानुल्लाह गुरबाज मुझे लग रहा है अभी कुछ तो ट्राई करना चाहिए गुरबाज को बैट पे, क्योंकि बॉल आ नहीं रहा है और यहाँ पे 2 का ट्राई होना जरूर चाहिए और 2 मिल जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार के ये खेल रहे हैं भाई इससे अच्छा ये अगर आउट भी हो जाए तो उसका कोई गम नहीं है। और सीन हो गया, मैं बोला यार सीन हो गया, ये पनौती गुरबाज है भाई, लिखवा लो मेरे पे, एक गैप में खेलने का ट्राई बट वो क्या बोलूँ यार मुझे पता ही नहीं, वो एकदम पास में खड़ा है, हो गया सीन। नीतीश राणा 1 रन बना के रन आउट हो गए हैं, श्रेयस अय्यर को भेज दूं क्या, आई थिंक रिंकू सिंह को आना चाहिए अभी, लेफ्ट राइट की जोड़ी के चक्कर में भाई ये राइट वाला साला या तो आउट ही हो जाए, मैच हार जाएंगे भाई इसके चक्कर में मुझे ऐसा लग रहा है। शाहबाज अहमद के ओवर में एक विकेट आ गया, अभी इससे फुल पावर हिटिंग चलेगी, आउट हो गया तो कोई गम नहीं है, वो है ही नहीं गम मेरे को। अरे यार अच्छी बात है, इतना घटिया खेल रहा है इससे बढ़िया तो आउट हो जा भाई, इसके आउट होने का गम नहीं है भाई आज मेरे को। श्रेयस अय्यर आए हैं 61 पे 106 चाहिए अभी भी, और पहले आते ही भाई आते ही गैप ढूंढा है यहाँ पे और चौका लगा दिया है कवर पे श्रेयस अय्यर, एंड 77 पे 4 चल रहा है। भुवनेश्वर कुमार आए हैं, क्या लगता है रिंकू सिंह सामने की साइड पे, स्लोअर वन यार क्या तगड़ा जा रहा है यार, 59 पे 102 देखो पॉसिबल तो होते हैं बट आज कुछ अलग ही बॉल्स आ रही हैं, यहाँ 2 का ट्राई किया जा सकता है और 2 मिल जाएंगे, हालांकि 58 पे 100 चाहिए, ज़्यादा कुछ ऐसा टफ नहीं है, बनाए जा सकते हैं बस आराम से खेलने की ज़रूरत है, यहाँ पे अगर हम विकेट लूज नहीं करेंगे तो मैच हमारे हाथ में अभी बना हुआ है, मेन चीज़ वही है भाई थोड़ा आराम से खेलो, बहुत बढ़िया। श्रेयस अय्यर है, मुझे पता था यहाँ पे एक बाउंसर आएगा ज़रूर से, मतलब शॉर्ट बॉल आएंगे अगर श्रेयस अय्यर आपको वहाँ पे मिलेंगे, और अभी श्रेयस अय्यर भी सीख गए हैं थोड़ा सा बाउंसर को अच्छे तरीके से खेलने का। रिंकू सिंह अभी तक तो बढ़िया खेल रहे हैं, काफ़ी समझ के चल रही है बैटिंग और एक ही मिलेगा यहाँ पे, 55 पे चाहिए 97। ये भाई
ये इसीलिए कुछ इस प्रकार का फील्ड लगाया, मैं सोचूं भाई गैप तो पूरा है यहाँ पे, गैप का फायदा उठाया जाए, पर वो बॉल ही कुछ ऐसा था, मैं शॉट लगाने के लिए वहाँ पे गया तो वो बॉल कनेक्शन उतना हुआ ही नहीं उसका। ठीक है ठीक है ठीक है, गैप गया है, दो का ट्राई यहाँ पे जरूर रहेगा और दो मिल जाएंगे यहाँ पे। हाँ थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा है, ये लोग थोड़ा सा डाउन खेल रहे हैं। बच गया भाई, ये बहुत हद तक बचा है, मैं सही बता रहा हूँ, अगर वो ग्लव पे ना लग के विकेट पे थोड़ा पास जाए वो बच गया, वो सीधी बात तो यही है। ये शॉट बढ़िया है, देखो तो जिस प्रकार से खेलना है भाई, 50 बॉल्स पे 94 चाहिए। सामने के साइड पे है श्रेयस अय्यर, अंदर के साइड बॉल आया तो उसको फेंक दिया है बाहर के साइड पे और लगा दिया है एक चौका। इसी चौके के साथ में श्रेयस अय्यर ने बता दिया कि अभी वो मैच में टिके हुए हैं, तो अभी एसआरएच फैंस इतना ज़्यादा खुश ना हो, तो एसआरएच वाले इतना ज़्यादा ये ज़्यादा बोलने का फ़ायदा, जब आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये एआई का कमाल बहुत अच्छा है यहाँ पे, एआई बहुत अच्छी है भाई, माइंड ब्लोइंग एआई। एंड्रे रसल आते हुए एंड सामने टी नटराजन, अभी लास्ट उम्मीद है मेरे को एआई से बहुत है भाई, अगर एआई फिर ना गड़बड़ करे तो मैच जीत सकते हैं, वरना कोई चांस ही नहीं है भाई, बहुत दिमाग खराब हो गया। ये जिस प्रकार का अभी विकेट गया है एंड अभी 47 पे चाहिए 90। मैच में अभी रिंकू सिंह एंड एंड्रे रसल टिके हुए हैं, बट क्या ये मैच को जितवा पाएंगे वो थोड़ी ऐसे देखने वाली बात है। गैप में गया है, दो का ट्राई ज़रूर रहने वाला है यहाँ पे और दो मिल जाएंगे। फाइनल का मुकाबला कुछ ज़्यादा ही ऐसे थ्रिलर नहीं जा रहा है भाई, वो कनेक्शन उतना बढ़िया नहीं है। दिक्कत ये आज काफ़ी ज़्यादा से क्रूशियल ओवर गए हैं, तो उस चीज़ का इनको ऐसा फ़ायदा देखने को मिला है। दो आ सकते हैं, नहीं 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 नहीं, एक से ही थोड़ा ऐसा संतुष्टि करनी पड़ेगी। ओके सामने की साइड में एंड्रे रसल पहला बॉल अपना खेल रहे हैं एंड नट टू कर रहे हैं बॉलिंग, क्या लगता है तुम लोगों को? ओके रसल को पता है जो गेम थोड़ा दिमाग से जीता जा सकता है वहाँ पावर की क्या ज़रूरत है। 43 पे चाहिए 86, सामने रिंकू सिंह। ओके रिंकू सिंह ने बल्ला घुमाया, छक्का लगाया ओवर के लास्ट बॉल पे और 99 पे 5 पहुंचा दिया केकेआर को भाई। ये शॉट है भाई, ये अलग ही बॉल को मतलब देखो और क्या कनेक्शन है। ओके शाहबाज अहमद आए हैं एंड क्या लगता है भाई, हालांकि अच्छा स्पिन इनका वर्क कर रहा है यहाँ पे, तो मैं अब आराम से खेलने का ट्राई करूँगा क्योंकि स्पिन अच्छा वर्क कर रहा है और इस पिच पे करता भी है। ओके गैप देखा यहाँ पे एंड्रे रसल, रन मिल जाएगा यहाँ पे, स्ट्राइक रोटेशन हो जाएगा एंड इसी के साथ में 100 रन कंप्लीट किए हैं केकेआर ने 100 पे 5। शाहबाज अहमद एंड अभी स्पिन में शाहबाज के अलावा इन लोगों ने और किसी को अभी बॉल दिया भी नहीं है, कुछ तो ये तगड़ा सोच के आए हैं भाई, अभी शाहबाज के अलावा किसी और स्पिनर को बॉल दिया भी नहीं है। हालांकि इनके पास पे अब्दुल शामद भी है बॉलिंग कराने के लिए और अभिषेक शर्मा भी है, बट अभी इनको कुछ ऐसे इंट्रोड्यूस किया नहीं है कि ये लोग ठीक ठाक ऐसा जा रहे हैं, इतना ज़्यादा किफ़ायती भी नहीं तो इतना ज़्यादा ख़राब। ये बच गया भाई, ये क्या शॉट खेला रिंकू, ये गलती नहीं करनी है भाई, ये बच गया यहाँ पे, मेरे को तो लगा भाई गया यहाँ पे रसल, ये बॉल आ गया, रसल बहुत आगे था यहाँ पे, वो तो अच्छी बात है ये विकेट पे लगा ही नहीं, विकेट पे लग जाता तो रसल तो बाहर ही खड़ा था, बट वो विकेट पे लगा ही नहीं भाई, लक है यहाँ पे रसल का वरना रसल तो गया था यहाँ पे। ओके भाई थोड़ा टारगेट करके रखा है रिंकू ने कि पूरा ओवर अपने को देखना है क्या चल रहा है, आखिरी बॉल पे उठा के मार दो, फिर से छक्का लगाया ओवर की लास्ट बॉल पे। ओके नट्टू का फिर से आ गए, क्या लगता है नट्टू क्या बॉलिंग? ओ शॉर्ट बॉल से स्टार्ट किया है यहाँ पे और शॉर्ट बॉल से स्टार्ट किया था, वार्निंग भी यहाँ पे मिल गया। 35 पे चाहिए अभी 70 और सामने की साइड पे है रिंकू सिंह। ओके वाइड यॉर्कर का प्रयास, बट यहाँ पे हमको भी खेलना आता है भाई, अभी यहाँ पे पूरा का पूरा माहौल है रसल के ऊपर कि रसल ऐसा क्या करते हैं, क्योंकि रसल को पता है रिंकू अच्छा खेल रहे हैं तो रसल ज़्यादातर ऐसा ट्राई कर रहे हैं रिंकू को स्ट्राइक देने। नट्टू की बॉलिंग अच्छी चल रही है बट आज सफलता एक भी नहीं मिली है यहाँ पे, आउटस्विंग बॉल बढ़िया था और शॉट अच्छा लगाया है, दो का ट्राई रहेगा और दो रन यहाँ पे मिल जाएंगे ऑलरेडी। मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी काफ़ी सही चल रहे हैं क्योंकि अगर एक विकेट यहाँ डाउन हुआ तो प्रेशर हम पे ही आएगा, तो विकेट को थोड़ा बचा के खेलना है एंड रिंकू से हम ट्राई भी कर रहे हैं बट रसल से बिल्कुल भी नहीं करना अभी मेरे को ट्राई।
क्योंकि रसल जब तक है तब तक उम्मीद है कि केकेआर मैच जीत सकता है। एंड बॉलिंग कराने के लिए आ गए एडन मार्करम। मतलब कि इन लोगों ने क्या लास्ट के लिए ऐसा सोच के रखा है क्या पैट कमिंस ने, लास्ट में सारे ओवर ऐसे स्पिन से करवाने हैं। अरे फुल टॉस बॉल है यार, रसल क्या कर रहे हो। फुल टॉस तो कनेक्ट होना चाहिए था, गलत चीज़ है यार। फुल टॉस नहीं कनेक्ट होगा तो गलत चीज़ है फिर। ओके ये फुल टॉस देखो कनेक्ट हुआ है, मतलब फुल टॉस आएगा रसल उसको ना मारे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है भाई। 28 पे 60, बहुत बढ़िया अभी तक बैटिंग देखने को मिली है यहाँ पे। अरे क्या निकल गया ये, जैसा सोचा था ना वैसा बॉल आया नहीं, वो सीन हो गया। ओके ठीक है, रन मिल जाएंगे यहाँ पे दूसरे भाई। नहीं 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 एक ही मिलेगा भाई, रिंकू को थोड़ा पुश करना पड़ेगा। ये खेला तो गैप में है, क्या इधर चौका मिल जाएगा? जी हाँ मिल जाएगा चौका रिंकू सिंह। और यहाँ पे केकेआर को ऐसा थोड़ा बहुत विन के साइड ले जाने का ट्राई। अरे रिंकू गलत शॉट ले किया यार। 124 पे 5। एंड नीतीश कुमार रेडी राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर आ गए हैं। पैट कमिंस के अभी एक भी ओवर बचे नहीं हुए हैं, आई थिंक भूवी ने भी ओवर करवा लिए हैं। एंड एंड्रे रसल सामने की साइड पे, ये गलत शॉट है रसल। मैं बोला था यार गलत शॉट है यार रसल। नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं पहली सफलता में रसल को लेके आए। ये स्लोअर बन था यार, थोड़ा समझना था इसको। रसल बहुत गलत खेला भाई। रमनदीप सिंह आते हुए भी, क्या यहाँ से ये चेज हो सकता है? ये दिक्कत ये होगी रसल चला गया वाई दबे, वरना तो मैं बोल सकता हूँ हाँ चेज हो सकता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आर सिंह और आर सिंह को ही कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे। अबे बहुत स्लो आ रहा है भाई, बहुत स्लो आ रहा है, सही बता रहा हूँ। रिंकू विकेट बचा ले भाई, रन तो हम ट्राई कर लेंगे अगले ओवर में, वरना कहीं विकेट ना बचा तो दिक्कतें हो जानी है। एक ही मिलेगा यहाँ पे, मैं बोल ही रहा था ना जब तक रसल है उम्मीदें तब तक थोड़ी सी ज़्यादा थी। बट कोई बात नहीं, रमनदीप सिंह ने बैक फुट पंच किया है और सीधा छक्का मिल गया है भाई। पर रमनदीप सिंह ने भाई थोड़ा मैच में ला तो दिया ऐसा कुछ कि हाँ अभी भी मैच में दम है। कोई बात नहीं है, बैक फुट फिर से खेला यहाँ पे, गैप में गया है, एक रन मिल जाएगा। और 133 पे 6, एडन मार्करम ही अपने को देखने को मिलेंगे। एंड सामने की साइड पे हैं रमनदीप सिंह। ओके पूरा बॉल को आखिरी तक देखा, रूम बनाया, चौका लगाया रमनदीप सिंह ऑन कम। आखिरी तक ऐसा बॉल को देखा फिर शॉट लगाया गया यहाँ पे। बहुत बेकार खेला ये, बहुत ज़्यादा घटिया खेला भाई, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं खेला है जैसा अभी ये खेला है यहाँ पे। ओके ओके ये फिर भी ठीक है, और रन आने चाहिए यार। रिंकू रहेंगे स्ट्राइक पे, देखते हैं अभी रिंकू अभी यहाँ पे कुछ कर तो सकता है। ओके रिंकू ने किया है, मुझे देखो रिंकू से उम्मीदें थी और रिंकू ने किया भी है, चौका लगाया है। थोड़ा आड़ा टेढ़ा मेढ़ा शॉट था बट कोई बात नहीं है, चौका जरूर मिलेगा यहाँ पे। ओके ओके रिंकू सिंह, रिंकू सिंह उठा के मारेगा भी। रिंकू सिंह नहीं किसी से कम, तो कुछ भी बोले यार रिंकू सिंह की बात ही अलग है। एंड अभी चाहिए 13 पे 33। ओके ओके बहुत बढ़िया खेला यहाँ पे, दो का ट्राई किया जा सकता है। और नहीं 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 भाई नहीं, एक ही ठीक है, नहीं ट्राई कर रहे। नीतीश कुमार रेड्डी एंड सामने की साइड पे है रमनदीप। ओ सॉरी मैं भूल गया, रिंकू सिंह है यार, मुझे लगा रमनदीप सिंह है, वो आर सिंह की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा भाई। इसमें रन मारने पड़ेंगे रमनदीप को, क्योंकि रिंकू इसको प्ले कर नहीं पा रहे हैं। रमनदीप सिंह ने एक शॉट मारा था तो उम्मीदें थोड़ी रमनदीप सिंह से ज़्यादा थी। वाई द वे एक ही मिलेगा यहाँ पे। अरे नहीं भाई 10 गेंदों पे 30 रन चाहिए यार, 4 गेंदों में 2 छक्के तो मिनिमम है भाई, मतलब चाहिए ही चाहिए अपने को। ओके रमनदीप सिंह नहीं तो क्या हुआ, रिंकू सिंह तो रेडी है यहाँ पे चौका लगाने के लिए। 9 बॉल पे 26 चाहिए, रिंकू सिंह स्ट्राइक पे हैं। और ये शॉट उतना बढ़िया इस बार कनेक्ट नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं है, चौका तो यहाँ पे भी मिल जाएगा। और इसी चौके के साथ में रिंकू सिंह 30 गेंदों में 51 रन, क्या बात है, एकदम नेक्स्ट लेवल खेले हैं। 2 छक्के मारे हैं 5 चौके मारे हैं, इनक्रेडिबल मैच गया है यहाँ पे। एंड 8 बॉल्स पे 22 चाहिए, रिंकू सिंह स्ट्राइक पे हैं। ये यार 2-2 चाहिए अभी तो। अरे नहीं रिंकू भाई यार, ये आउट तो है बट रिव्यू का क्या है, ले लेते हैं।
अब मुझे तो अरे आउट ही है। रिंकू फिनिश करना था भाई, दिक्कत ये नहीं है, रमनदीप सिंह है अभी, बट यार रमनदीप सिंह क्या बात है, बट उतनी बढ़िया भी बात नहीं है यहाँ पे क्योंकि रन कम नहीं है भाई। 6/22 चाहिए थे, फिलहाल यहाँ 2 रन आ गए हैं, 5 बॉलों पे 20 रन चाहिए। रमनदीप सिंह क्या केकेआर मैच जिता सकते हैं केकेआर को। बहुत घटिया बॉल यार, 4 गेंदों में 20 रन, कोई चांस नहीं। रिंकू सिंह गलत शॉट खेल गया, बहुत बढ़िया बॉलिंग करके यार ये एडन मार्करम। हट भाई, ये यार जीता जीता है मैच, हार गए भाई हम। रिंकू सिंह आउट नहीं होना चाहिए, पूरा मूड खराब कर दिया भाई। जीता जीता है मैच, हार गए भाई। रिंकू सिंह को वहाँ आउट नहीं होना चाहिए। क्या ही बोल सकते हैं भाई। ऑल राइट गाइस, यार इसी के साथ में केकेआर 19 रन से इस मैच को हार गया, बट मुझे पता नहीं यार वहाँ पे लगा रिंकू सिंह अगर आउट ना होता भाई, मैच केकेआर के हाथ में आ गया था, पूरी तरीके से आ गया था भाई। रिंकू उस मैच को जितवा देते, बट वो आउट वहाँ पे नहीं होना चाहिए था भाई, वहाँ से पूरा मैच चेंज हो गया। ये चीज़ थोड़ी यार गलत रही है भाई। देखिए गाइस, मुझे लग रहा है आज यहाँ पे केकेआर, वैसे मैं सोचा तो यही था केकेआर जीतेगी, एंड शाम को कौन सी टीम जीतती है वो तो शाम को पता चलेगा। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, अगर ये वाली वीडियो तुम लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से मार देना, और तुम लोग जिस भी टीम को सपोर्ट कर रहे हो केकेआर या फिर एसआरएच को, वो जरूर से कमेंट कर देना। मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey.